वियतनाम एक छोटा देश है, परंतु जितना भी इन्होंने अभी तक डेवलपमेंट की है या डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है हर चीज़ का। सड़कों का ट्रैफिक यहाँ बिल्कुल दुबई की तरह है, वही इंडिया से बिल्कुल उलट। और हरियाली, मौसम को देखा जाए तो काफ़ी हद तक मेरे को तो बिल्कुल वैसा ही लगा जैसा इंडिया का है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं। जैसे अपने आजकल वहाँ पे मौसम है इंडिया में, तो वैसे यहाँ है। यह एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। मेरे को काफ़ी लोग मिले जो इंडिया से यहाँ बिजनेस पर्पज से आए हुए थे, कोई होटल के लिए, कोई किसी इंडस्ट्री के लिए। ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये पेड़ पौधे जो हैं बड़े सुंदर हैं, हरियाली बिल्कुल वही, छोटे कद के पौधे हैं, ज़्यादा सड़क के किनारे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस डेवलपमेंट को हुए हुए। और ये शायद कोई मल्टीनेशनल कंपनी कोई सिटी बना रही है यहाँ पे, स्मार्ट सिटी बन रही है। कुछ आने वाले टाइम में यहाँ पे बड़ी बड़ी शायद गगनचुंबी इमारतें देखने को मिले। ये एरिया कवर किया हुआ है, नॉर्थ हनोई स्मार्ट सिटी के नाम से है ये। यहाँ पर आगे एक पुल आता है, पुल को समुद्र के बिल्कुल ऊपर से बनाया गया है और इतनी ज़्यादा हाइट देकर बनाया गया है कि उसके नीचे से जो हमारे कारोबारी जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़, वह निकलते हैं। सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए इसीलिए आया यहाँ, देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या यह लोग कर चुके हैं और क्या आगे करने जा रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है इनकी। एक चीज़ मैंने जो यहाँ पे देखी थी, इन्होंने पानी को बड़े अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया है। बरसात यहाँ रोज़ का काम है, बरसात होना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी टाइम यहाँ बरसात हो जाती है। ये वो पुल स्टार्ट हो गया है, जिस जो पुल समुद्र के ऊपर से बना हुआ है, आगे जाकर वो केबल कार केबल के सहारे रोका गया हुआ है। उस केबल कार नहीं, केबल के सहारे उस पुल को रोका गया है, जो पुल है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचते हैं तो रात में तो शायद रोशनी भी होती है रंग बिरंगी, बहुत सुंदर लगती है। वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि नीचे से समुद्री जहाज बड़े आराम से निकलते हैं। ये इन्होंने कनेक्ट रखा, ये एक किस्म से उनकी बंदरगाह है। अभी जो मेन सिटी है मैं वहाँ जा रहा हूँ, कई बार YouTube पे दिखाते हैं कि एक ट्रेन निकलती है तो लोग अपना सामान उठा लेते हैं वहाँ से और फिर वहीं पे दोबारा रख लेते हैं। ट्रेन के बिल्कुल साथ साथ ही, वो ट्रेन की पटरी के बिल्कुल साथ ही वो मार्केट लगती है। ये शायद आप देख ना पाए, मैं कोशिश करूँगा, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये पीछे ये जो है, ये समुद्र है और ये इसमें से जहाज आ रहा है। और ये वो केबल्स हैं, इनके सहारे इस पुल को रोका गया, वो पीछे तक सारा समुद्र है। अभी ये सिटी से बाहर निकल के डेवलपमेंट के लिए लगे हैं, इंडस्ट्री अब यहाँ आ रही है। जैसा कि मेरे को अनुभव हुआ, जितने लोगों को मैंने यहाँ बातें करते देखा, लोग फ्रेंडली हैं। सबसे जो मेन बात है, किसी भी कंट्री में जाओ तो वहाँ पे देखने को होता है कि यहाँ पे पुलिस का रवैया कैसा है। मैंने अभी तक किसी चौक चौराहे पर किसी पुलिस को नहीं देखा। हाँ, इमिग्रेशन का जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो उनको मतलब सिर्फ आपकी टिकट और आपके वीज़ा से है। जैसे वीज़ा ऑन अराइवल है आजकल यहाँ पे, वहाँ से सिर्फ रजिस्ट्रेशन होती है, वीज़ा यहाँ पे स्टिकर देते हैं तो कोई इशू नहीं है। सिंपल एक फॉर्म फिल किया, उसके बाद ये आपको
स्टिकर चिपका के $25 फीस है, $25 दो, अपना पासवर्ड लो, काउंटर पे जाओ, स्टैंप लगवाओ इमिग्रेशन ऑफिसर से और आप आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। यहाँ पर जगह जगह पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंदी बात है मलेशिया के अंदर, वहाँ पे हर चौक चौराहे पर आपको पुलिस रोकेगी। ये अब बिल्डिंगें आनी शुरू हो गई, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये नीचे बिल्कुल छोटे जो घर है वहाँ, ये बीच में गंगा चुम्बी बातें हैं, कैनन के नाम से है। तो हम बात करें तो जो मलेशिया का अनुभव है मेरा आज तक का, वो सबसे गंदा है। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें तंग किया गया, लेकिन टाइम बर्बाद किया गया, रोकना, पासपोर्ट दिखाओ, वीज़ा दिखाओ, और आप कब वापस जा रहे हो, कहाँ रुके हो। भाई ये काम इमिग्रेशन का है, जब उन्होंने हमें आउट कर दिया तो कर दिया, आपका तो ये फील्ड ही नहीं है। जो लोकल पुलिस है उसने वॉलेंस देखना है, कानून व्यवस्था देखनी है। यहाँ पर मेरे को किसी भी चौक चौराहे पर नहीं देखा गया कि कहीं पे कोई पुलिस अधिकारी दिखा हो। हाँ ये लोग हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मॉनिटर करते हो सारा, मैं यह नहीं कहता कि पुलिस नहीं होनी चाहिए, ये कितने हरे भरे बगीचे हैं, पुलिस है, पुलिस होती है सहायता के लिए, ना कि वो टूरिस्ट को तंग करे। हाँ गलत है, आप दंडित करो, चेतावनी देके छोड़ो, वो आपके ऊपर है जो कानून का दायरा आपका कहता है, परंतु ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप बिना वजह के किसी को तंग करो। ये करेंसी यहाँ की इंडिया के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है करेंसी में, तो ये हमारे से बहुत ज़्यादा पीछे है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत कम बोलते हैं, सिर्फ अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने आप से मतलब रखते हैं। ये बिल्कुल लगता है ना जैसे हमारे यहीं सड़क के साथ साथ पौधे लगे हों। मैं जब पिछली बार आया तो मैंने सिटी के अंदर देखा, जो इनकी मेन सिटी है उसमें एक पानी को कैसे बाहर भेजना है, शहर के बरसात के पानी को, उसकी उसके लिए एक बड़ा सा जस्ट लाइक छोटी नहर कह लो, वो बनाई गई है उस पानी को निकलने के लिए, एक प्रॉपर जगह दी गई है पानी को निकलने के लिए। ये नहीं है कि इधर भी बिल्डिंग बना दो, इधर भी बना दो, इसको और तंग कर दो, और नज़दीक ले आओ इसको, और पानी निकलने की जगह न रहे। पानी को बड़े अच्छे ढंग से निकलने की जगह दी गई है। जितनी यहाँ बरसात होती है, अगर व्यवस्थित ना किया होता पानी को, तो जब ज़्यादा बरसात होती है तो बहुत मुश्किल हालात बनते हैं। अभी ये तो मोहतरमा थी, गलती शायद इनकी थी, लेकिन जस्ट दोनों ने घूर के देखा और बात ख़त्म। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उलझते लोग, गाड़ियाँ बड़ी भी हैं यहाँ पे, ये लेक्सस है, ये ड्राइवर साहब हैं मस्त, इन्होंने कोई बात नहीं देना, नहीं देना नहीं क्या। फोर्ड की गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी हैं, इंडिया से फोर्ड पिकअप कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे फोर्ड, लेक्सस, किर्लोस्कर, बहुत से ऐसे नाम हैं जो शायद हमने कहीं और देखे ही नहीं। इन कंट्रीज में आओ तो वो दिखते हैं। मारुति सुजुकी की अर्टिगा भी है यहाँ पर, अर्टिगा को मैंने देखा है, काफ़ी नज़दीक से देखा है। और वैसे भी मारुति सुजुकी इंडिया में गाड़ी बाद में लॉन्च करती है, पहले यहाँ कर देती है। अभी जैसे जिमी को कह लो, जिमी कब की दुबई में लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इंडिया में अब कर रहे हैं ये, वो रहता है कुछ ना कुछ इनका सिस्टम, जबकि एक बड़ा बाजार जो है वो इंडिया ही है, ये यहाँ का एक चौंक है। मेरा ये वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था, यह दिखाना कि यह लोग कैसे हैं। यहाँ पर आप घूमने आओ, ग्रैब कार करके एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लो। आप एयरपोर्ट से होटल जाना है, होटल का नाम डालो, सीधी गाड़ी आपके पास ऑप्शन आएंगे, जिस पे क्लिक करना चाहो करो, छोटी बड़ी जो भी गाड़ी आप लोगे। यह मेरे अम्बाला कैंट जैसा है, जो कभी कैंट में जाम लगा करता था, उस तरह का है। अभी परमिट चल रही है यहाँ पर भी,
काम चल रहा है, वैसे यहाँ पे भी काम चल रहा है, इसलिए जो आज की दिक्कत है वो कल का फायदा है, वो आज दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी। तो अब इसके बाद हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर वो ट्रेन की पटड़ी है, जिससे ट्रेन आने पर सामान उठा लेते हैं और ट्रेन जाने पर फिर सामान रख देते हैं। अभी शायद वो नज़ारा तो हम ना देख सकें, लेकिन कोशिश करूँगा मैं कि अगर टाइमिंग हुई ट्रेन की तो उसे कैप्चर करने की।